जहां सैमसंग ने S4 Zoom प्री ऑर्डर्स के लिए इंडिया में अवेलेबल करा है, वहीं सोनी ने इंडिया में प्री ऑर्डर्स के लिए अवेलेबल करा है वर्ल्ड के सबसे बड़े फोन्स में से एक Xperia Z Ultra, जो कुछ टाइम पहले ही ग्लोबली लॉन्च हुआ था। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस ह्यूज फोन। सोनी अपने स्मार्टफोन्स की Xperia सीरीज को हर साइज में उतारना चाहता है, चाहे वो छोटा साइज हो या बड़ा। ऐसा ही एक बड़ा स्मार्टफोन सोनी ने लॉन्च किया इंडिया में। ये है सोनी Xperia Z Ultra। Z Ultra को बेहद बड़ा फोन बनाता है इसका डिस्प्ले साइज। सोनी के ओमनी बैलेंस डिजाइन वाले इस फोन में है 6.4 इंच TFT डिस्प्ले, जो है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, और इस फोन में है ट्राइल्यूमिनस टेक्नोलॉजी, जो सोनी के लेटेस्ट ब्राविया टेलीविजन में आ रही है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से फोन की डिस्प्ले प्रोड्यूस करेगी बेहतरीन कलर्स, और साथ ही एक्स रियलिटी डिस्प्ले इंटेलिजेंटली सुपर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा लो क्वालिटी वीडियोस को। जहां इस फोन में है इतनी बेहतरीन डिस्प्ले जो है बहुत सारे फीचर्स के साथ, तो जाहिर है इसे बैटरी पावर भी ज्यादा ही चाहिए होगी, और उसके लिए इसमें है 3000 mAh बैटरी। Xperia Z की तरह ही Xperia Z Ultra है रगेड फोन। IP55 IP58 सर्टिफिकेशन के साथ ये बनता है वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट प्रूफ फोन। Xperia सीरीज के इस बड़ी फैबलेट में है बहुत पावरफुल 2.2 GHz क्वाड कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर और 2GB रैम, जिससे चलता है एंड्रॉइड 4.2 जेली बीन। सोनी यूजर इंटरफेस वाला Z Ultra आएगा नई और अपडेटेड सोनी की मीडिया एप्लीकेशंस के साथ। कैमरा को लेकर सोनी थोड़ा ज्यादा सीरियस रहता है, लेकिन इस बार सोनी ने Z Ultra में दिया है स्टैंडर्ड 8 मेगापिक्सल कैम, वो भी विदाउट फ्लैश, और इसके फ्रंट में है 2 मेगापिक्सल कैम। 4G LTE NFC ब्लूटूथ वाईफाई वाले इस फोन में है 16GB इंटरनल मेमोरी, जो अपग्रेडेबल है अप टू 64GB। Xperia Z Ultra को सोनी ने इंडिया में ऑनलाइन अवेलेबल कर दिया है, जिसकी कीमत रखी गई है 44,990 रुपीज। अब देखना ये है कि Xperia Z Ultra मार्केट में कब अवेलेबल होगा।